पुंता काना, नाम सुना था? वेल, डोमिनिकन रिपब्लिक में पुंता काना ज्यादा फेमस है सेंटो डोमिंगो से, क्योंकि ये है द रिजॉर्ट टाउन। खूबसूरत व्हाइट सैंड बीच और कई सारे बड़े बड़े रिजॉर्ट जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। बट हम जैसे छोटे बैकपैकर के लिए क्या है यहाँ पे? चलो जाके देखते हैं विद योर एक्सप्लोरर राजा। तो गुड मॉर्निंग, ये है एक्सप्रेसो पुंता काना और यहाँ से मैंने टिकट ले लिया 400 पैसे लेके, मतलब कि 600 रुपये दे के पुंता काना जाने के लिए। पुंता काना यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, बट एक्सप्रेस सर्विस है और बस में जाऊँगा तो फटाफट पहुँच जाऊँगा। आज हम लोग संतो डोमिंगो जाएंगे, पुंता काना जो कि है ज़्यादा टूरिस्टिक, जहाँ पे सारे रिजॉर्ट्स, बट हम लोगों को कॉच सर्विस होस्ट मिल गया है, तो चलो चलते हैं। बस है 1 बजे, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। की बस राइड के बाद हम लोग आ गए पुंता काना में, जो कि है यहाँ का रिजॉर्ट कैपिटल। पुंता काना बहुत फैला हुआ है और हमको यहाँ पे अच्छा होस्ट मिल गया है, तो होस्ट का जाता भी बज रहे शाम के 5। आज तो शायद बीच के दर्शन नहीं होंगे, बट कल तो ज़रूर होगा। मेरा जो कॉल सर्विंग हॉस्पिटल है वो यहाँ पे है नहीं, मतलब है पर आज बाहर गया है कुछ टूर पे, और इस अपार्टमेंट में मेरे को चाबी दे दी है, उसको बता दिया था कि एक बैकपैक आने वाला है, तो है मेरे पास चाबी। और वैसे $15 का मिल रहा था हॉस्टल, बट यहाँ पे घर मिल गया। स्वागत है पुंता काना के मेरे घर पे। मेरा वाला रूम कौन सा है? मेरा वाला रूम शायद ये वाला है। हाँ, उन्हें बताया बेड वेड सब सेट किया हुआ है, मजे करो। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार है, शांतिदायक है। इसे कनकुन भी कहा जाता है डोमिनिकन रिपब्लिक का, और ये वाला एरिया ज़्यादा टूरिस्टिक है, आपको बहुत ही विदेशी मिलेंगे। देखते हैं क्या मिलते हैं हम लोगों को। फिलहाल आज तो ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है, हम लोग आइलैंड के पूरे ईस्ट साइड में आ गए, एकदम ईस्ट के छोर पे, तो सनसेट इस साइड नहीं होता, सनराइज होता है इस साइड। बट हम लोग थोड़ा चलेंगे और देखेंगे क्या क्या करना है। पूरे सफ़ेद सफ़ेद घर है क्योंकि सूरज के तापमान को टैकल करने के लिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग नीले पीले होकर निकल रहे हैं। बीच देख रहे हो आप? वेल, गंदा है अभी, शायद सुबह को अच्छा रहेगा। फिलहाल तो गंदा है क्योंकि इधर बोट बोट है, आजू बाजू में और भी लगाएंगे, उधर चलते हैं। तो भाई गंदगी है बहुत, एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये देखने के लिए नहीं आए हम। ये वाला एरिया बोला बंद है, ये सब जगह टाइट सिक्योरिटी देख रखे, बहुत सारे बाहर के टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, लोकल्स ही नहीं। अगर आप नॉर्थ पे जाओगे आइलैंड के, तो उधर आपको ज़्यादा लोकल टूरिज्म मिलेगा और ज़्यादा सस्ते मिलेंगे। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर सर पर चमड़ा दिख रहा है और रिच टूरिस्ट ज़्यादा दिख रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो बीच पे आ गए हम लोग,
ये सफ़ेद सैंड का पूरा अच्छा बीच है, बट पंगा जो है पानी उतना साफ़ नहीं, क्योंकि हम लोग हैं मानसून सीज़न में, तो पानी में बहुत गंदगी है। ये कोई प्राइवेट रिजॉर्ट एरिया है, बट इस रिजॉर्ट के सामने थोड़ा अच्छा है, उसी वजह से हम लोग यहाँ पर मज़ा कर पा रहे। बाकी सफ़ेद सैंड है और पीछे लोग खेल रहे, मज़े कर रहे हैं, पाम ट्रीज है, सुंदर सा बैकड्रॉप है। बस नहाने का उतना मज़ा नहीं आएगा, बट मैं पानी में जाऊँगा, गोप्रो नहीं है इसलिए नहीं जा पाऊँगा। शादी हो रहा है, दूसरे सब कंट्री में शादी होता तो आजूबाजू में जो रहते सबको बुला रहे थे, पर यहाँ पे क्रिश्चियन शादी में, यहाँ पे वेस्टर्न शादी में कोई बुलाता नहीं है। पर सभी देख रहे हैं, यहाँ पे शादी बहुत होती है। मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे इंडियंस यूएस में रहते हैं, यहाँ पे आके शादी करते हैं अपने, तो मज़ा आ रहा है देख के। तो क्योंकि एक रिजॉर्ट टाउन है, जितना मैंने अभी तक पता किया है, यहाँ पे आते ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स। ऑल इंक्लूसिव मतलब आप जाओगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर चाय कॉफ़ी ब्रेकफास्ट सब इंक्लूडेड रहेगा, आप पूरा एक बड़ा अमाउंट दोगे, मिनिमम होता है एक दिन का 20,000 रुपये, शायद 20,000 रुपये दे दो, 20,000 से आपको ऑल इंक्लूसिव मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ऑल इंक्लूसिव में बस लोग आते हैं यहाँ पे चिल करते हैं, उसलिए पुंता काना में एयरपोर्ट है, लोग US से डायरेक्ट आते हैं पुंता काना, एयरपोर्ट से आते हैं रिजॉर्ट और चिल करते हैं, बीच में भी शायद उतना नहीं जाते, बस बीच को देखते हैं और खुश रहते हैं। तो उस जगह पे हम जैसे बैकपैकर्स का कुछ काम नहीं है, नहीं तो मैंने रिसर्च किया, अगर बगल में कुछ बेसिक सा टूर्स है, ये आइलैंड टूर, वो आइलैंड टूर, कोरल टूर, वोरल टूर, मतलब जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोग इस चैनल में बहुत सारे दिखा चुका हूँ, तो अलग से इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा आपको क्या दिखाऊँ यहाँ पे। बट आ गया हूँ मैं डाउन टाउन में, थोड़ा डाउन टाउन देखते हैं, डाउन टाउन में कुछ हुआ दिखाने लायक देखने लायक, तो देखते हैं। कुछ मॉल्स है, कुछ रिजॉर्ट्स है, कुछ कैसीनोस है, और यहाँ पे बहुत सारे एम्यूजमेंट पार्क, उसमें सबसे फेमस है ये द कोको बोंगो, आप लोगों को दिखा होगा कि नहीं, कोको बोंगो नाम है यहाँ का, कोको बोंगो, इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ है एम्यूजमेंट पार्क, जैसे अपना हो गया इमेजिका निको पार्क, फिर डिज्नीलैंड, वैसे यहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, लेकिन कितना है पता नहीं, कुछ होगा $50 के आसपास, और लोग अंदर जाके बहुत मज़े करते हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग अंदर नहीं जाने वाले। एम्यूजमेंट पार्क में अकेले जाने का मज़ा नहीं है, बाकी सारी चीज़ों में अकेले मज़ा आता है, एम्यूजमेंट पार्क में ग्रुप हो दोस्तों के साथ, या फिर ट्रैवलर्स का कोई ग्रुप बने, सब मिलकर एम्यूजमेंट पार्क में जाएंगे तो मज़ा आता है। तो एम्यूजमेंट पार्क एक इकलौता चीज़ है जो मैं अकेला करना पसंद नहीं करता। तो भाई पुंता काना में 3-4 दिन था, पर कुछ किया नहीं खास, और मेरे जो होस्ट है वो ज़्यादा बात करते नहीं है, वो रहे अपने होस्ट, वो ज़्यादा बात करते नहीं, वो है लिथुआनिया से, वो यहाँ से, यहाँ पे बहुत सारे रशियन टूरिस्ट हैं, तो उनका टूरिज़्म यही संभालते हैं, इनका टूरिज़्म कंपनी है, तो और ये वाली बस लेके हम लोग अभी वापस चलेंगे संजा का, वही 400-600 यानी कि 600 रुपये, और 3.5 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच गए थे सेंटो डोमिंगो, आते टाइम कम टाइम लगा क्योंकि सबको सेंटो डोमिंगो उतरना था और बस फुल थी, और अभी आके देखो सेंटो डोमिंगो में भी बहुत बड़ी तूफानी बादल है, अभी बच रहे ऑलमोस्ट 5, हम लोग को लेना है मेट्रो, और मेट्रो लेके जाऊँगा मेरे हॉस्ट के घर, तो दिखाते हैं
कैरिबियंस में भी मेट्रो है, और कैरिबियंस मेट्रो कैसा है चलो आपको दिखाते हैं अभी। तो भाई यह है मेट्रो स्टेशन, और देखते कितना खर्चा आता है क्या होता है। वैसा ही नॉर्मल मेट्रो स्टेशन जैसा, कुछ दुकान, टिकट काउंटर, टिकट लेते हैं। तो भाई 35 पैसों का टिकट था, तो अच्छा हुआ कि कोई अलग से कार्ड बना नहीं पड़ा। 35 पैसों का मतलब हो गया लगभग 50 रुपये, 50 रुपये का टिकट लेके हम लोग लेंगे कैरिबियंस में मेट्रो। क्राउडेड है क्योंकि 5 बज रहा है अभी, हर दुनिया में हर जगह पर ये प्लान टाइम रहता है। और आगे मेक्सिको ओमेस में ये वाला स्टेशन बाहर है, और दो दो लाइन से अच्छी था, बिना कि किसी मेट्रो जैसा ही था। ओके ओला Eso es 54, mañana 55. O sea que tú saliste con India con eso. Sí. Ah, en India nosotros comer eso. Sí, aquí se come. ¿Cuánto cuesta? No ¿Por sé. Libra? Es más caro, es más costoso. Sí, pero más, más rico. Sí, y el mejor de aquí es en un sitio que le dicen para la línea de noroeste, Montecristi. Porque ellos crecen comiendo orégano. Orégano. भाई इतने सारे बकरी, इतने सारे बकरी रास्ते में दिखेंगे पता नहीं है, बहुत सारे बकरी रास्ते में, देसी देसी फील आ रहा है। और ये लोग इधर भी बकरी खाते हैं, तो बकरी का मीट मिल जाएगा अगर ढूंढो तो। जैसे una persona que siempre la quitan de ahí, quiere que le den una casa y él siempre hace. Siempre quitan cosas? La siempre lo quitan, porque es legal. अभी मेरे होस्ट की मम्मी मेरे को गुआवा दे रही है, गुआवा यहाँ पे स्पेनिश में कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया भाई मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट यही है। अपने पेट से निकाल के दिया, और पूरे लैटिन अमेरिका में सब जगह पके खाते हैं जब नरम हो जाते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे भी कच्चे खाते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा स्वाद है इंडिया ऐसा। मेरे होस्ट बता रही थी इनके पास एक होंडा i10 है, होंडा i10 का दाम इंडिया में 7 से 8 लाख में मिल जाता है, पुराना मॉडल i10। इन्होंने सेम i10 के लिए दिया 13 से 14 लाख, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ महंगा है। मैंने बताया था कि आयरलैंड ने सब कुछ इंपोर्ट किया था, सब कुछ महंगा है, और हम लोग इंडिया में रोते हैं प्राइसेस के लिए। इंडिया वालों, इंडिया बहुत अच्छा है।